वेलकम बैक, आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम डीएसएल इंस्टीट्यूट डॉक्टर मुखर्जी नगर दिल्ली। मेरे प्यारे बच्चे, बहुत सारे बच्चे अंग्रेजी में बोलना लिखना नहीं आता, वो बोलते हैं सर बोलना नहीं आ रहा, लिखना नहीं आ रहा। आज के बाद कोई भी तूफान सेंटेंस हो आप आराम से बोलो, देखते हैं कैसे नहीं आता है। अंग्रेजी बोलना भी आएगा, लिखना भी आएगा। कैसे आएगा देखते हैं। यहाँ पे कोर्स यहाँ पे क्या बेटा कि जैसे हम लोग बोलते हैं मैं हंसता हूं, तो ठीक है आई लाफ, मैं हंसाता हूं, बोलो बोलो मैं हंसाता हूं, क्या बोलते अंग्रेजी? नहीं पता सर, क्योंकि हंसना का अंग्रेजी है बट हंसाना का नहीं है। मैं दौड़ता हूं, मैं तुम्हें दौड़ाता हूं। वह रोती है, मैं उसे रुलाता हूं। वह खेलती है, मैं उसे खिलाता हूं। तो जहां पे जिसका अंग्रेजी डिक्शनरी में ना हो उसका अंग्रेजी बनाते हैं हम कॉजिटिव वर्ब से। किसे बनाते हैं? कॉजिटिव वर्ब से। अब यहां बात करें कॉजिटिव वर्ब का, यहां पे एक वर्ड देंगे हम आपके सामने मेक। यहां बात करें कॉजिटिव वर्ब, कॉजिटिव वर्ब, पॉजिटिव वर्ब का मतलब हुआ प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया की बात करें हम, यहाँ पे मेक और गेट दो वर्ड बेटा, यहाँ पे दोनों का ध्यान रखना आपको कि मेक और गेट का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। तो जब कोई भी ध्यान देना गौर से कि यहाँ पे जैसे हम बोलते हैं कि मैं हंसता हूं और मैं तुम्हें हंसाना चाहता हूं। सरकार घर बनवाती है, सरकार गरीबों के लिए घर बनवाती है। अब यहाँ पे बनना बनाना, हंसना हंसाना, रोना रुलाना, तो यहाँ पे दो बात सुझाऊंगा। सबसे पहला काम कि कॉजिटिव वर्ब में मेक और गेट को बनाने के लिए दो तरह का सहारा लेते हैं। एक जो वर्ब हम लोगों का होता है डूअर, और एक होता है कॉजिटिव वर्ब। कॉजिटिव जो काम करवाता है, जैसे हम बोलते हैं दौड़ना। अब दौड़ना जो वर्ड है वो डिक्शनरी मिल जाएगा रन, लेकिन अगर बोल दें दौड़ाना तो दौड़ाना डिक्शनरी में नहीं मिलेगा। हम बोल दें हंसना, हंसना मिलेगा पर हंसाना नहीं मिलेगा। रोना मिलेगा, रुलाना नहीं मिलेगा। तो जिसका अंग्रेजी डिक्शनरी में ना हो उसे हम क्या कहते हैं? सॉरी, कॉजिटिव वर्ब कहते हैं। ठीक है बच्चे, अब हम बात करें कॉजिटिव वर्ब का, तो दौड़ना दौड़ाना, हंसना हंसाना, रोना रुलाना, तो इसका अंग्रेजी को हम लोग कहते हैं टेंस। ठीक है बेटा, टेंस। और टेंस तो आपको आता ही है, जैसे मैं दौड़ता हूं आई रन, तुम हंसते हो यू लाफ, वह रोती है सी बिप्स, बट मैं उसे दौड़ाता हूं, मैं उसे हंसाता हूं, मैं उसे रुलाता हूं, तो इसका अंग्रेजी डिक्शनरी में नहीं होता। तो इसके लिए हम लोग क्या काम करेंगे? कॉजिटिव वर्ब का। और इसके लिए सहारा लेंगे हम लोग गेट का और मेक का। ठीक है बच्चे, तो सबसे पहले मेक में लिखेंगे कि जब काम करने वाला और करवाने वाला दोनों व्यक्ति मौजूद हो तो मेक लगाते हैं, तो मेक लगाते हैं। जब काम करने वाला और करवाने वाला दोनों व्यक्ति मौजूद हो तो मेक लगाते हैं। गेट कहां लगाते हैं? जब काम करवाने वाला हो और करने वाला नहीं हो तो गेट लगाते हैं। हमने कहा बच्चे कि जब काम करवाने वाला हो और करने वाला ना हो तो गेट लगाते हैं। इस दो चीज को आप आराम से लिख लो, स्नैपशॉट ले लो, फिर आगे हम लोग बात करेंगे। अब दो बात समझा कि जब काम करने वाला हो करवाने वाला ना हो तो गेट का प्रयोग। अब यहां दो एग्जाम्पल पे लिखते हैं, फिर आपसे मैं बात करता हूं। हमने एग्जाम्पल लिया कि मैं लता को हंसाता हूं, और दूसरा लिया मैं लता को पिटवाता हूं। मैं लता को हंसाता हूं, मैं लता को पिटवाता हूं। अब यहां देखो बेटा कि मैं लता को हंसाता हूं, लता मैं लता, तो मैं हो गया काम करवाने वाला, लता हो गई काम करने वाली। जब काम करवाने वाला हो और करने वाली हो दोनों व्यक्ति मौजूद हो, ये देखो लता हो गई, तो मैं काम करवाने वाला, लता काम करने वाली, मैं लता से, मैं लता को हंसाता हूं तो मैं लता को हंसाता हूं, तो मैं हो गया काम करवाने वाली, ये हो गया मैं, ये हो गई लता, तो मैं लता को हंसाता हूं तो मैं काम करवाने वाला और लता काम करने वाली, तो इस केस में हम मेक का प्रयोग करेंगे बेटा। अब देखो मैं लता को पिटवाता हूं, अब
अब यहां ध्यान दो, मैं, ये हो गई लता, ठीक है बच्चे, और मैं फोटो देखो। अब मैं लता को पिटवाता हूं तो मैं काम करवा रहा हूं, लेकिन लता कोई काम कर रही है क्या? नहीं ना, लता को पीट ये रहा है, तो मैं लता को पिटवाता हूं, यानी पीट कोई और रहा है। तो इस केस में हम गेट का प्रयोग करते हैं। अब मैं सोचता कि मैं लता लता ऐसे नहीं, यहां पे काम करने वाला, काम करवाने वाला, यही तो मेन वजह है कि अच्छे अच्छे को अंग्रेजी नहीं आता। वजह यह है कि लोग अंग्रेजी चाहते हैं पढ़ाना, चाहते हैं बुलवाना, चाहते हैं बोलना, बस बहुत सारे बच्चों को नहीं बोल पाते क्योंकि जड़ नहीं पता है। ये जड़ आप सीख जाओगे ना, हजारों सेंटेंस बोलो, लाखों सेंटेंस बोलो, जितना चाहो बोलो। मैं लता को हंसाता हूं, मैं लता को पिटवाता हूं, मैं लता को हंसाता हूं, मेक का प्रयोग, लता को पिटवाता हूं, गेट का प्रयोग। अब यहां समझते हैं इसका अंग्रेजी बनेगा कैसे, वो समझिए। कुछ बेसिक पॉइंट की हम बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेक, या फिर लगाइए मेक्स, मेक के बाद ऑब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अदर वर्ब, मेक के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। हम बात करें सब्जेक्ट, गेट, या आप करिए गेट्स प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड। सेंटेंस था मैं लता को हंसाता हूं, तो हमने बताया था मेक से, तो आई मेक लता, आई मेक लता, अब हंसना का लाफ, तो मेक जो आपने काम करा वो हो गया हंसाने का काम, तो आई मेक लता लाफ, तो आई मेक लता लाफ। मैं लता को पिटवाता हूं तो आई गेट लता पिटवाता हूं, बीटेन, तो आई गेट लता बीटेन। तो यहां हमने क्या कहा, मैं लता को हंसाता हूं, आई मेक लता लाफ, मैं लता को पिटवाता हूं, आई गेट लता बीटेन, वर्ब का थर्ड फॉर्म, आई गेट लता बीटेन। एग्जाम्पल और दो चार देख लेते हैं फटाफट, तब आप अंग्रेजी आसानी से आप बना सकते हो, इजी वे में काम कर सकते हो, आपके लिए आसान हो जाएगा। हमने कहा मेक और गेट की बात, यहां सेंटेंस देते हूं आपके लिए काफी आसान, कि तुम संडे को बाल कटवाते हो, तुम संडे को बाल कटवाते हो, वह मुझे इस काम के लिए दौड़ाता है। ठीक है बेटा, तुम संडे को बाल कटवाते हो, अब तुम संडे को बाल कटवाते हो, काम करवाने वाला है, बोलो यहां करने वाला है कोई? नहीं ना, सेंटेंस में काम करने वाला कोई नहीं, तुम काम करवा रहे हो, बाल कटवा रहे हो, कब? संडे को। कौन काट रहा है पता है इसमें? नहीं ना, तो क्या लगाएंगे? गेट। स्ट्रक्चर पता है, यू गेट, गेट के बाद क्या होता है? ऑब्जेक्ट, तो यू गेट योर हेयर कट ऑन संडे, तो यू गेट योर हेयर कट ऑन संडे। वह मुझे इस काम के लिए दौड़ाता है, तो वह मुझे इस काम के लिए दौड़ाता है, तो वह मुझे इस काम के दौड़ाता है, काम करने वाला, करवाने वाला, दोनों व्यक्ति हो तो मेक का प्रयोग करते हैं। तो वह का हो गया अंग्रेजी ही मुझे इस काम के लिए दौड़ाता है ना, तो ही के साथ क्या लगाओगे? मेक्स, ही मेक्स, ऑब्जेक्ट हो गया मी, ही हो गया सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मी, है ना, दौड़ाना हो गया वर्ब, तो ही मेक्स मी रन, ही मेक्स मी रन इस काम के लिए, फॉर दिस वर्क, तो ही मेक्स मी रन फॉर दिस वर्क। दो चार एग्जांपल और देखिए बराबर, सरकार गरीबों के लिए घर बनवाती है, सरकार गरीबों के लिए घर बनवाती है, अब बोलो सरकार हो गई काम करवाने वाली, गरीब क्या है? गरीब हो गया रिसीवर, वो काम नहीं कर रहा, सरकार गरीबों के लिए घर बनवाती है, यानी सरकार काम करवाने वाली, और करने वाली इसमें नहीं है, घर कौन बनाएगा नहीं पता, तो क्या बनेगा? द गवर्नमेंट गेट्स हाउस बिल्ट फॉर द पुअर, तो सरकार गरीबों के लिए घर बनवाती है, द गवर्नमेंट गेट्स हाउस बिल्ट फॉर द पुअर, राइट। इस तरह से बोलो, मैं तुम्हें हंसाना चाहता हूं, तो हंसाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू मेक यू लाफ, ठीक है। मैं खाना अपनी माँ से बनवाता हूं, तो मैं काम करवाने वाला, माँ काम करने वाली, तो मैं अपनी माँ से खाना बनवाता हूं, तो आई मेक माई मदर कुक, आई मेक माई मदर प्रिपेयर फूड, ठीक है बच्चे। इस तरह से आप
बहुत सारा स्ट्रक्चर फ्रेम कर सकते हो आप आसानी से गेट मेक पे, कम से कम तो इस पर 3-4-5 वीडियो बनना चाहिए तब जाकर के आपका इसमें कंप्लीट होगा, क्योंकि स्ट्रक्चर एक नहीं होना, स्ट्रक्चर बहुत सारा होना। तो सब्जेक्ट प्लस गेट, गेट्स गॉट, ठीक है, इसके साथ आप लगाओ पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है, प्लस अदर वर्ड। अब हमने गेट और गेट्स कहा ये प्रेजेंट होगा, और गॉट कहा ये पास्ट होगा बच्चे, ठीक है। तो गेट गेट्स प्रेजेंट और गॉट हो जाए पास्ट। तो हमने कहा सरकार गरीबों के लिए कमाती है, द गवर्नमेंट गेट्स हाउस बिल्ड फॉर द पुअर। अब सरकार गरीबों ने घर बनवाया, तो गवर्नमेंट गॉट हाउस बिल्ड फॉर द पुअर, क्लियर बच्चे। इस तरह से उस तरह से कैसे सब्जेक्ट प्लस मेक, मेक्स या मेड प्लस ऑब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आपने कहा मैं खाना अपनी माँ से बनवाता हूं, आई मेक माई मदर प्रिपेयर फूड। मैं खाना अपनी माँ से बनवाया, आई मेड माई मदर प्रिपेयर फूड, ठीक है बच्चे। इस तरह से आप अपने मन में 50 तरह के सेंटेंस सोचो और इस गेट और मेक से बनाइए। इस पर और वीडियो में दूंगा, तरह तरह के दूंगा, आप इसको पूरे बच्चों को, ये बहुत ही आपके लिए अलग सा है और बहुत ही बढ़िया है, इसको पढ़िए और बच्चों को साथ में पढ़ाइए। मैं फिर आकर के इस पर एक वीडियो और बनाऊंगा कॉन्टिन्यूअस का, ठीक है। इट्स ऑल फॉर